So guys, आज का रिव्यू होने वाला है एक बॉडी वॉश के बारे में। बॉडी वॉश काफी वेल नोन ब्रांड से है एंड गाइज ये है हमारा पेयर्स का पेयर्स नेचुरल कोकोनट वाटर बॉडी वॉश, नरिशिंग बॉडी वॉश है, 100% सोप फ्री है। गाइज ये पेयर्स ब्रांड से है जिनके सोप फेस वॉश अवेलेबल हैं, इवन हैंड वॉश भी उनके आते हैं। बॉडी वॉश की रेंज अलग से आती है और इन्होंने अभी रिसेंट में ही कुछ साल पहले अपनी एक नेचुरल रेंज लॉन्च करी थी जिसमें तीन वेरियंट इनके अवेलेबल हैं, जो कि एक पोमेग्रेनेट है अनार से बना हुआ, दूसरा है कोकोनट वाटर एंड तीसरा है एलोवेरा। तो मैंने इसका पोमेग्रेनेट वाला पहले ही किया है और आज मैं शेयर करूंगी इसके कोकोनट वाटर बॉडी वॉश का रिव्यू। अगर आप जानना चाहते हो ये प्रोडक्ट कैसा है, किस स्किन टाइप के लिए वर्क करेगा, कौन सी स्किन वाला इसको यूज करता है, ये सब जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन में दिया है, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लगा हुआ बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। ये है हमारा पेयर्स नेचुरल का नरिशिंग कोकोनट वाटर बॉडी वॉश, 100% सोप फ्री है। गाइज ये कोकोनट वाटर से बना हुआ है, कोकोनट वाटर जो कि स्किन को नरिश करने में, स्किन को ब्राइटन करने में, इवन अगर लॉन्ग टर्म हम कोकोनट वाटर यूज करते हैं तो स्किन को वाइटनिंग करने में भी हेल्प करता है। कोकोनट वाटर बहुत ही रिच होता है अलग अलग मिनरल्स और विटामिन में। अगर आप कोकोनट वाटर रेगुलर बेसिस में लेते भी हैं तो भी आपकी स्किन ब्राइटन होती है और इसी वजह से कोकोनट वाटर ज़्यादातर सारे इसमें मिक्स किया जाता है। सो गाइज अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की तो ये 50 ml की बॉटल आती है 180 rupees की और शेल्फ लाइफ मिलती है इसकी 3 years की, 3 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर साइज़ की बात करूँ तो गाइज इसका छोटा साइज़ है सबसे और इससे बड़ा भी अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी की बात करें तो लोकल स्टोर्स में मिल जाएगा, जो भी पेयर्स के ब्रांड सामान रखते हैं उनके पास ये बॉडी वॉश आपको मिल जाएगा, बाकी नायका अमेजोन फ्लिपकार्ट सब जगह ये आपको मिल जाएगा। बाकी आप इसको डिस्काउंट में 150 rupees में पिक कर सकते हैं कहीं से भी। अगर बात करें पैकेजिंग की तो गाइज ये आता है इस तरीके की ट्रांसपेरेंट बॉटल में, बैक पे प्रोडक्ट की पूरी डिटेल मेंशन की गई है, फ्लिप फ्लॉप ओपनिंग है और अगर मैं बात आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉडी वॉश है। फ्रेग्रेंस बिल्कुल टॉफी की तरीके है, कैंडीज की तरीके है। फ्रेग्रेंस बहुत आर्टिफिशियल टाइप की है, मतलब कि इस तरीके की फ्रेग्रेंस हर्बल इंग्रेडिएंट से बने प्रोडक्ट्स में नहीं आती है। तो अगर आप बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की, इसमें मिक्स क्या किया गया है, तो इंग्रेडिएंट्स में बताए गए हैं वाटर, सोडियम लॉरियल सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कोकोमाइड, परफ्यूम, ग्लिसरीन, साइट्रिक एसिड, टेरासोडियम एजिटा और इसमें एक अल्कोहल भी मिक्स है, बेनिजाइल अल्कोहल भी डाला गया है इसमें, पीच जूस भी डाला गया है, एप्पल जूस भी डाला गया है, स्ट्रॉबेरी फ्रूट जूस भी डाला गया है, ऑरेंज जूस भी डाला गया है, लेमन जूस भी डाला गया है, तो ये सब और इसमें कोकोनट फ्रूट जूस भी डाला गया है। तो इसमें कुछ केमिकल्स डाले गए हैं और कुछ इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स मिक्स हैं, बाकी इसमें कोई पैराबेन नहीं डाला गया, ये पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है। इसमें हनी भी डाला गया है स्किन को नरिश करने के लिए। तो गाइस इसमें कुछ हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ केमिकल है, तो ये कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूँ इसके क्लेम की तो ये कहता है पेयर्स नेचुरल कोकोनट वाटर नरिशिंग बॉडी वॉश हैज़ 98% प्योर ग्लिसरीन अलॉन्ग विद हनी, इट जेंटली क्लेंजेज योर स्किन लीविंग इट फीलिंग सॉफ्ट स्मूथ एंड ग्लोइंग, 100% सोप फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो गाइज ये 100% केमिकल फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, 98% इसमें ग्लिसरीन डाली गई है जो कि स्किन को नरिश करने में हेल्प करता है और साथ में हनी भी डाला गया है जो कि ग्लो देने में मदद करता है। बाकी ये कोकोनट वाटर से बना हुआ है और काफ़ी सारे इसमें फ्रूट जूस डाले गए हैं। बाकी गाइस जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी फ्रूटी टाइप की है भी। अगर बात करें लेदर क्रिएट करने की तो ये बहुत ज़्यादा हैवी वाला लेदर क्रिएट नहीं करता है, मतलब कि जो कुछ बॉडी वॉश होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेदर क्रिएट करते हैं, लेकिन ये मेरी सेकेंड बॉटल और मैंने फर्स्ट बॉटल पूरी यूज़ की हुई है, ये ज़्यादा लेदर क्रिएट नहीं करता है, बहुत ही कम लेदर क्रिएट करता है। चलिए ये थी इस प्रोडक्ट की डिटेल। अगर बात करें इस प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में, मैंने आपको पहले बताया कि ये मेरी सेकेंड बॉटल है, फर्स्ट बॉटल मैं पूरी यूज़ कर चुकी हूँ और मैंने इसको विंटर में यूज़ किया था। गाइस जैसे कि ये बहुत ज़्यादा लेदर क्रिएट नहीं करता, ये एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है साबुन यूज़ कर करके, अलग अलग
ब्रांड के और केमिकल वाले, तो बहुत लोगों की स्किन होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है, तो इन दैट केस ये वाला जो आपका पेयर्स नेचुरल का कोकोनट वाटर बॉडी वॉश है, ये बहुत मदद करेगा आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में, पेनिट्रेट करने में, और एक ग्लोई इफेक्ट देता है ये। आप यूज़ करोगे लॉन्ग टर्म, आपको फील होगा कि स्किन आपकी ग्लोई लग रही है। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है स्किन में, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और तो गाइज ये प्रोडक्ट पेयर्स ब्रांड से है जिनके प्रोडक्ट बहुत जेंटल होते हैं, और इसका रिजल्ट भी काफ़ी जेंटल वाला है। मतलब ये कहीं से भी स्किन को ड्राइनेस नहीं देता है, ग्लोई इफेक्ट देता है। आप लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे आपकी स्किन की जो ओवर ड्राइनेस है वो बहुत कम होगी, ग्लोई इफेक्ट देगा। ऑयली स्किन वालों के लिए ये बॉडी वॉश नहीं है, लेकिन ड्राई स्किन वाले डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, कोई भी एज वाला इसको यूज़ कर सकता है। सो गाइज ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू पेयर्स नेचुरल कोकोनट वाटर बॉडी वॉश के बारे में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। कोई क्वेश्चन कोई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।